Hey everyone, welcome back in new video lecture about the history of Jammu. So, आज की इस video lecture में we are going to discuss about the most important dynasty. So, इस video lecture में जिस dynasty के बारे में हम बात करने वाले हैं, आप देखोगे कि उसमें से बहुत सारे questions जो हैं finally निकलेंगे आपका आपके particularly from the history of Jammu. So, without wasting time, चलिए start करते हैं. ओके सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज इस वीडियो लेक्चर में एक खास डायनेस्टी के ऊपर बात करने वाले हैं विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू. सो उस डायनेस्टी का नाम है देव डायनेस्टी. सो जिसका स्टार्टिंग जो पीरियड था वो था 848 AD से लेकर और एंड अप जो रहा वो था 1860 AD तक. ओके तो चलिए आप इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं जिसमें कौन कौन से रूलर्स हैं, कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए हैं वो सब पढ़ेंगे इसमें, और जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम साथ साथ में डिस्कस करते जाऊंगा साथ, ताकि आपको सभी चीज़ें जो हैं वो वीडियो देख के क्लियर हो जाए, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं वज्रदेव की. वज्रदेव के जो सक्सेसर थे सूर्यदेव, वो एक्चुअली पहले राजा थे जम्मू के जिन्होंने अपने सरनेम के साथ देव यूज़ किया था. ओके सो देव डायनेस्टी की जो शुरुआत थी वो यहीं से हुई थी, और फाइनली जो देव डायनेस्टी जो थी वो पावर में रही थी 1816 तक. ओके तो फर्स्ट रूलर की अगर हम बात करें तो सूर्यदेव, और इनका जो टाइम पीरियड रहा वो था 840 AD से लेकर 912 AD तक इन्होंने रूल किया. ही रूल्ड फ्रॉम बबूर और ही वाज़ द फर्स्ट रूलर जो मतलब ही वाज़ अ वाइज ब्रेव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर. ओके और ये पहले बंदे थे जिन्होंने अपने बहुत काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म किया अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, और साथ ही इन्होंने एक ट्रेंड आर्मी को रेज किया. ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने क्या किया, बेसिकली इनके भी फ्रेंड थे सलाया किंग जो कि सियालकोट के थे, इन्होंने इनको एक्चुअली इनके साइड पे एक बैटल जो थी वो लड़ी, बट फाइनली हुआ क्या, इनको इनको कैप्चर कर लिया गया और इनको जिंदा जला दिया गया इन अ मानसूरी टावर बाय शरीफ खान, और इनकी जो वाइफ थी नीला रानी उन्होंने सती को कमिट कर लिया था. ओके सो यहाँ से आपके तीन क्वेश्चंस निकलेंगे कि किन्होंने जिंदा जलाया था, वो थे शरीफ खान, इनकी वाइफ का क्या नाम था नीला रानी, और फाइनली क्वेश्चन आता है कि जिंदा किनको जला दिया गया था. ओके और इनके जो फ्रेंड थे सलिया किंग सियालकोट के. ओके तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग भुजदेव की तरफ. उनका जो टाइम पीरियड था वो था 912 AD से लेकर 982 AD तक इन्होंने रूल किया, और बेसिकली ये सक्सेसर थे आप सबको पता है बेसिकली. सो फाइनली इनका जो टाइम पीरियड था मतलब इनके पीरियड के दौरान नसरुद्दीन सबुक्तगीन जो थे उन्होंने पंजाब और जम्मू में इन्वेड किया था. ओके मतलब घुसपैठ की थी, बट हुआ क्या था कि राजा भुजदेव ने उनको एक टफ फाइट दी और फाइनली उनको वहाँ से भगा दिया, मतलब उनको जाना पड़ा वहाँ से. लेकिन हुआ क्या कि जो अनदर फाइट थी उसमें सबुक्तगीन ने इनको मार दिया, भुजदेव को मार दिया. एक्चुअली भुजदेव जो थे वो जयपाल के साइड से लड़ रहे थे इनके खिलाफ, तो फाइनली इनकी डेथ हो गई. भुजदेव के बाद बारी आई अवतार देव की. तो इनका जो टाइम पीरियड था शासनकाल का वो था 982 AD से लेकर 1030 AD तक इन्होंने रूल किया, और बेसिकली ये ब्रदर थे उनके अवतार देव के और महमूद ऑफ गजनी जो थे, बेसिकली इनके टाइम पीरियड में महमूद ऑफ गजनी ने जम्मू हिल्स में इन्वेड किया था फर्स्ट टाइम. तो चलो इनको भी हरा दिया गया, इनको भी वापस मोड़ दिया गया, लेकिन सेकेंड टाइम क्या हुआ, ये लोग महमूद ऑफ गजनी ने फिर से इन्वेड किया, और सेकेंड टाइम ये 300 कैमल्स मतलब इतना खजाना लूट के चले गए. अवतार देव के बाद बारी है जशदेव की, और इनका जो टाइमिंग था रूलिंग का वो था 1030 AD से लेकर 1053 AD तक, और बेसिकली जसरोटा टाउन और जसरोटिया क्लैन जो है बेसिकली जशदेव जो हैं वो यही फाउंडर हैं. ठीक है, मतलब जशदेव जो हैं वो फाउंडर है जसरोटा टाउन और जसरोटिया क्लैन के. ओके तो बेसिकली यही वो बंदे हैं जिन्होंने वरुण देवता और काली देव की बहु फोर्ट में वर्शिप स्टार्ट की. इसके साथ मानिक देव जो कि भुजदेव के ही डिसेंडेंट हैं, इन्होंने मनकोट स्टेट को फाउंड किया और मनकोटिया क्लैन को स्टार्ट किया. नेक्स्ट बात करेंगे हम संग्राम देव की. तो संग्राम देव का जो टाइम पीरियड था 1053 AD से लेकर 1094 AD तक रहा, और ये इन्होंने कश्मीर के जो किंग थे रनतला उनको हराया बिलावर में. नेक्स्ट है जिशाकर देव, इनका जो टाइम पीरियड ही था ही वॉज नॉट सो मच एबल, छोड़ो इसको. नेक्स्ट आता है ब्रिजदेव,
तो ब्रिजदेव जो थे एक्चुअली वो महमूद गोरी के अलाई बन गए थे, उनके साथी बन गए थे, और इन्होंने महमूद गोरी के साथ, मतलब इनके साइड, महमूद गोरी के साइड से इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट इन्होंने फाइट लड़ी थी इन द बैटल ऑफ तरान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री में आप देखोगे इसको, पढ़ोगे। तो फाइनली जो आज के टाइम पे जो विजयपुर है ना, ये इन्होंने फाउंड किया हुआ है। ब्रिजदेव के बाद नरसिंह देव जो थे वो आए, और 1215 एडी से लेके 1250 एडी तक इन्होंने राज किया। ये ब्रिजदेव के बेटे थे। और राजदर्शनी जो कि एक एंशियंट बुक है जिसके बिहा पे हम लोग हिस्ट्री ऑफ जम्मू को पढ़ रहे हैं, उसमें ये लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान के जो ब्रदर थे ना, खांडे राव, उनकी डेथ जो थी वो नरसिंह देव के हाथों हुई थी, दी बैटल ऑफ तेरान। ठीक है, तो नरसिंह देव के बाद अर्जुन देव आते हैं, इनका भी टाइम पीरियड छोड़ो इसको भी, तो उसके बाद योद्ध देव आते हैं, इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1313 एडी से लेकर 1366 एडी तक, इनका जो टाइम पीरियड रहा इनके, जब ये मतलब शासन काल में थे उस टाइम पे फिरोजपुर तुगलक जो थे वो भी मतलब उस टाइम पे राज कर रहे थे दिल्ली में। तो फाइनली सचदेवा जो कि रूलर थे कश्मीर के, वो भाग गए थे किश्तवाड़ में। और फिर ये जो शाह फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने क्या किया, उनकी हेल्प की कश्मीर लौटने में, और उस टाइम पे रिनचिन रूल कर रहे थे कश्मीर में। ओके, सो योदेव के बाद बात आती है मालदेव की। तो इनका जो टाइम पीरियड, रूलिंग पीरियड जो था वो था 1361 एडी से लेके 40 एडी तक इन्होंने रूल किया। और ये जो थे, ही वॉज अ हीरो ऑफ डोगरी बैलेट, मतलब डोगरी गीत गाथा के ये हीरो थे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछा भी जाता है। और इन्होंने क्या किया, डोगरी कैपिटल को शिफ्ट किया जम्मू में, और राजा मालदेव जो थे वो एक बहुत ही पावरफुल किंग थे, और इन्होंने हर वो एफर्ट्स किए जिसके थ्रू मतलब लोगों का भला हो सके। और एक्चुअली इनके टाइम पीरियड को एक नाम दिया गया, वो था गोल्डन पीरियड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि गोल्डन पीरियड जो था वो किन के, किस रूलर के टाइम पीरियड में था, तो वो मालदेव थे। ठीक है, फाइनली इन्होंने पुरानी मंडी की जो इमारत है वो इन्होंने इरेक्ट की, और वहाँ पे ये फर्स्ट टाइम गद्दी पे बैठे, और वहीं पे इन्होंने ये जो ट्रेडिशन है वो कंटिन्यू स्टार्ट किया सभी डोगरा किंग्स के लिए और उनके साथ। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ मालदेव में ये है कि जो तैमूर का जो इन्वेशन रहा वो इन्हीं के रूलिंग ड्यूरेशन में रहा। ठीक है, और हुआ क्या कि डोगराज ने इनको टफ फाइट दी स्टार्टिंग में, और बट नेक्स्ट में फिर वही हिसाब, मतलब लोगों ने फिर से अटैक किया और जितने भी विलेजेस थे उन सबको प्लंडर कर दिया, उनको लूट के चले गए। ठीक है, बट उसके बाद क्या हुआ, फिर जब मालदेव की डेथ हो गई उसके बाद जितने भी किंग थे, जितने भी रूलर्स थे जम्मू के, वो एक्चुअली एक वेसल्स बन के रह गए, एक जागीर बन के रह गए मुगल्स के, और ये कंटिन्यू रहा कब तक, 1818। सो अब हम बात करेंगे हमीर देव की, और इनका जो रूलिंग पीरियड था वो था 1400 एडी से लेके 1423 एडी तक। और एक्चुअली मैं बता दूं कि इस एक्चुअली जो हिस्ट्री होती है उसमें बहुत सारी ऐसी इरेलीवेंट चीज़ें भी बहुत होती हैं, क्योंकि वो कहानी की तरह बताया होता है, कहाँ से आया, किसके साथ आया, कौन था। ठीक है, लेकिन मैं इस लेक्चर में आपको उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में आई हुई हैं, मतलब वो इंसिडेंट, वो इम्पॉर्टेंट नेम्स, या यू कैन से कि वो सीधा सीधा वो पर्टिकुलर चीज़ें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं वही बताऊंगा, बाकी पूरी कहानियां पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आराम से आपको समझ भी आ जाए और पता भी लग जाए कि कहाँ कहाँ से चीज़ें आपको आनी है जो आपको पढ़नी है। ओके, सो हमीर देव के बारे में अगर हम पढ़ें तो इनके बारे में यही है कि जो मोहम्मद तुगलक थे उस टाइम पे दिल्ली के, और आलम शाह जो सिकंदर जो कि कश्मीर के थे। ठीक है, तो इनके शासनकाल के दौरान ये दो बंदे थे। और फाइनली क्या कि हमीर देव जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे खोखर मैनान्स को एलिमिनेट करने के लिए बाय हेल्पिंग अली शाह, ताकि वो जो कश्मीर का जो थ्रोन है, मतलब उनका जो गद्दी है, वो फिर से रिगेन कर सके। ओके, सो उस टाइम पे जो चीफ खोखर चीफ थे उनका नाम था दशरथ खोखर। ओके, आफ्टर हमीर देव अजय देव जो थे वो शासन में आए, और उनका जो टाइमिंग पीरियड था वो था 1423 एडी से लेके 1453 एडी तक। और राजा अजीत देव जो थे वो ग्रेट वॉरियर थे, उन्होंने
जम्मू किंगडम को एक्सपेंड किया अब तो गुजरात, और उसके बाद इन्होंने जैनुल अबिदीन जो कश्मीर के थे उनके साथ इन्होंने फ्रेंडशिप बना दी, और फाइनली ये खोकर ट्रबल से ये सेफ रहे। नेक्स्ट बात करेंगे हम बैरन देव की। तो बैरन देव में इनका जो रूलिंग पीरियड था 1454 AD से लेके 1489 AD तक। और चलिए अब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, इन्होंने बहलोल लोधी के साथ मिलकर इन्होंने एक प्लान बनाया, दशरथ जो कि खोखर क्लैन का चीफ था, ताकि इसको इसको एलिमिनेट करने के लिए, इसका इसका मर्डर करने के लिए। ओके सो वैरव देव के टाइम पीरियड में एक फकीर आप लोग कह सकते हो शायद कुतुब आलम जो जम्मू आए थे फ्रॉम सवजवार, ठीक है, और इनका जो नाम था बेसिकली इनकी बहुत ही स्वीट टंग थी, स्वीट टंग फकीर थे ये जो दूध और मिल्क के शौकीन थे, और इनके जो डिवोटर्स थे इनके जो फॉलोअर्स थे वो इनको पीर मिठा कहते थे। ओके सॉरी और अनदर जो पीर थे वो थे योगी गरीब दास, और ये भी जम्मू आए थे और ये रहे थे जमामन केव में जो आज के टाइम पे जिसे पीर खोखा जाता है, ठीक है। ये दो फकीर थे जो वैरम देव के रूलिंग पीरियड के दौरान आए थे। ओके सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गोवार देव, ठीक है, और इनका जो रूलिंग पीरियड था वो था 1500 AD से लेके 1530 AD तक, और इनके टाइम पे बाबर ने ऑक्यूपाई किया था दिल्ली और आगरा को। उसके बाद इन्होंने क्या किया, बाबर के साथ फ्रेंडशिप कर ली, उनको बहुत सारे गिफ्ट वगैरह सेंड किए, और इन्होंने बहुत सारी जो बैटल थी वो भी जीती उनके उनके लिए, और फाइनली इनको एक टाइटल मिला था ईशा खन करके। इन्होंने ईशा खने राजपूत क्लैन को स्टार्ट भी किया था। उसके बाद बात आती है कपूर देव की। इनके दो बेटे थे, एक थे यज्ञदेव एक थे स्मेलदेव। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने अपने किंगडम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसका हेडक्वार्टर जम्मू में रहा, जम्मू और बाहू किया, और एंड इंस्टॉल्ड जगदेव को बाहू में रख दिया और स्मेलदेव को जम्मू में रख दिया। जगदेव जो थे इनका जो शासन काल था वो था 1571 AD से लेकर 1590 AD तक, और ये जो थे ये मारे गए एक्चुअली मुगल हकीम ऑफ सियालकोट सदी खान द्वारा इन अ कॉन्स्पिरेंसी बाय लाल देव, जो उनके हाफ ब्रदर थे जगदेव के लाल सिंह लाल देव। इन्होंने क्या किया, सियालकोट के जो राजा थे सदी खान उनके साथ मिलकर इनको मरवा दिया। नेक्स्ट आता है समैलदेव जो कि जम्मू के थे, एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल माइंडेड पर्सन थे। इनके बाद आता है संग्राम देव। संग्राम देव का जो टाइम पीरियड था वो था 1594 AD से लेकर 1626 AD तक इन्होंने वर्कआउट किया। फाइनली ये क्या थे, ये मुगल्स के फेवरेट किंग थे, और जहांगीर एंड गॉड फेवर फ्रॉम मतलब मुगल किंग जो जहांगीर थे उनके फेवरेट थे, और उन्होंने बहुत सारा फेवर उनको दिया, और फाइनली इन्होंने संग्राम देव ने बहुत सारी लड़ाइयाँ इनके लिए लड़ी, मुगल्स के लिए लड़ी, और फाइनली इनकी जो लास्ट जो ब्रीथ थी मतलब इनकी जो डेथ हुई वो थी डेक्कन एक्सपेडिशन में हुई थी विद प्रिंस खुराम। संग्राम देव के बाद आता है भूपत देव, और इनका टाइम पीरियड ये रहा आपका रूलिंग पीरियड 1616 AD से लेके 1656 AD तक, और ही वो शाहजहां कंटेम्प्रेरी, और इनके जो ब्रदर थे दलपत विक्रम द एंसेस्टर ऑफ दलपति राजपूत। ओके तो अब हम बात करेंगे हरिदेव की। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1656 AD से लेके 1692 AD तक, और ये एक्चुअली मनसबदार थे औरंगजेब के, और इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी औरंगजेब के लिए। ओके मनसबदार एक्चुअली एक पोस्ट होती है फौज में। ओके एंड हरिदेव के बाद गजय सिंह जो आए वो आए शासन काल में, और बेसिकली इन्होंने अपने फादर का जो भी मतलब जो इनके काम करते थे, हरिदेव इनके फादर थे, और जो भी इनके फादर औरंगजेब के लिए काम कर रहे थे इन्होंने भी सेम उस चीज़ को कंटिन्यू रखा, और एंड स्ट्रेंथन जम्मू राज्य, ठीक है, जम्मू राज्य को इन्होंने स्ट्रेंथ किया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह एक्चुअली इनके टाइम पीरियड में जम्मू आए थे। ओके गजय सिंह के बाद ध्रुव देव, और इनका जो टाइम पीरियड था रूलिंग का वो था 1703 AD से लेकर 1733 AD तक। इन्होंने एक्चुअली ये जो पुराने इनके जो भी किंग थे उन्होंने जो मुगल की योग पहनी हुई थी मतलब उनकी गुलामी वगैरह लगा लो या उनके जागीर लगा लो जो बने हुए थे, ठीक है, इन्होंने उस चीज़ को उतार फेंका, इन्होंने छोड़ दिया, और ये इंडिपेंडेंट रूलर जो थे वो बने उस टाइम पे। इन्होंने बंदा बहादुर को उस टाइम पे शेल्टर दिया मुगल से, और उनकी हेल्प की मुगलों से। उसके बाद इन्होंने एक 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 पावरफुल किंग जो थे वो बिल्डअप हुआ उस टाइम पे,
और इन्होंने मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को बिल्ड किया और अपनी जो पैलेस को वो शिफ्ट किया फ्रॉम मालदेव मंडी, जो आज के टाइम पे पुरानी मंडी के नाम से जाना जाता है, उसको न्यू कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया। इनके एक्चुअली ही हैड 4 सन्स एंड अ डॉटर, इनके 4 बेटे और बेटी थी। सो नेक्स्ट बात करेंगे हम महाराजा रणजीत देव, इनका जो टाइम पीरियड रहा वो था 1733 AD से लेके 1782 AD तक, और ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ ध्रुव देव एंड द मोस्ट नोटेबल रूलर जो थे जम्मू के बिफोर गुलाब सिंह। और फाइनली इन्होंने क्या किया, इनके टाइम पीरियड में एक स्टेबिलिटी जो थी इन्होंने प्रोवाइड की जम्मू को, और इन्होंने एंड रूल्स वे ओवर द पॉलिटिक्स ऑफ पंजाब एंड शिवालिक हिल। इन्होंने पंजाब और शिवालिक हिल तक इनका जो भी रूल्स था वो उस लेवल तक इन्होंने एक्सपेंड किया, और इनको 2 बार बंदी भी बनाया गया। पहला तो मुगल्स को, मतलब जो भी उनकी चीज़ें थी जो डिसऑबे करने के लिए उनकी कमांड को, और सेकेंड टाइम अफगान द्वारा फॉर लूटिंग ए कारावान, ठीक है। लेकिन दोनों टाइम इनको नेगोशिएशन के द्वारा इनको छोड़ दिया गया, और इनका जो राज्य था किंगडम जो था वो उनको रिस्टोर कर दिया गया। बेसिकली ही बिकम अ की मैन फॉर द अफगान इन द पावर स्ट्रगल अगेनिंग द, फाइनली ये एक की पर्सन बन गए थे अफगान जो मतलब रूल करना चाहते थे जम्मू हिल्स की तरफ, लेकिन इनके द्वारा वो नहीं कर पा रहे थे। मतलब महाराजा रणजीत सिंह जो थे उस टाइम पे बहुत बड़े पावरफुल जो रूलर जो थे वो थे। नेक्स्ट ये बहुत एम्बिशियस थे, और फाइनली इन्होंने मतलब एक्सपेंड किया अपने राज्य को प्लेन्स में, हिल्स में, हर जगह पे। और ये ही वॉज द फर्स्ट टू कंक्योर मोस्ट, मतलब बहुत सारी स्टेट्स, जब ये पहले बंदे थे जिन्होंने मतलब 22 हिल्स जो थी स्टेट्स की उस टाइम पे इन्होंने जीती थी। ओके हिज रिजीन वॉज एन ईरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पीपल आर ट्रेटेड इक्वल। इनके टाइम पे इनका टाइम पीरियड जो था बहुत ही ज़्यादा मतलब उस टाइम पे समृद्ध माना जाता था, पीसफुल माना जाता था, और इनके टाइम पे मतलब सभी रिलीजन को एक इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड की जाती थी। ओके मतलब उनके टाइम पे एडोवा पीस जो था वो माना जाता था, मतलब उस समय को, उस टाइम को। ओके सो इट सीन्स दैट सूफीज फाउंड देखो डियर, ये इन्होंने सारी जितनी भी कहानी है ना, बेसिकली ये इनके मतलब इनकी वीरता के ऊपर या उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के ऊपर बताई गई है, और फाइनली ये बताया गया है कि वो सिर्फ अच्छे रूलर नहीं बल्कि एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। उन्होंने सती के ऊपर या फीमेल इन्फेंटिसाइड के ऊपर इन्होंने बैन लगाया, वो एक डोगरी पॉइट भी थे। ओके सो ये सब चीज़ें जो हैं ये ऑब्वियसली एग्जाम में नहीं पूछी जाती, ये तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको मतलब इंपॉर्टेंट रहता है। जब आपको किसी पैराग्राफ लिखना है या किसी बंदे के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताना है तो वहाँ पर आप ये लिख सकते हो, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि ये चीज़ें जो है वो एग्ज़ाम में आपको पूछी जाएंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में तो एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि महाराजा रणजीत देव का टाइम पीरियड क्या था, किस ड्यूरेशन के दौरान इन्होंने रूल किया, किन के बेटे थे। ओके तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती है, तो कितनी हिल्स स्टेट हिल्स में इन्होंने राज किया, तो ये जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो पढ़ने वाली हैं। बाकी ये डोगरी पॉइंट थे, ये थे, आई डोंट थिंक इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट है जॉर्ज फोस्टर, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट, जॉर्ज फोस्टर एक्चुअली महाराजा रणजीत देव की एक डेथ होने के बाद, 1 साल के बाद जॉर्ज फोस्टर जो थे वो जम्मू आए थे। बेसिकली ये इस चीज़ का मतलब सबूत है कि मतलब उनके टाइम पे कितना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हो गया या आइडियल हो गया, रिलीजियस टॉलरेंस जो थी, एक वाइस एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो उस टाइम पे वो रन कर रहे थे। ओके सो आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत देव उन जम्मू जो स्टेट थी वो बेसिकली डिक्लाइन होना शुरू हो गई इसकी, और उसके बाद जितने भी सक्सेसर थे मतलब रणजीत देव के बाद जितने भी रूलर्स आए वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे कि मतलब 22 हिल स्टेट्स को यूनाइट रख सके और मतलब एक साथ उन सब के ऊपर कंट्रोल रख सके। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे वो सब कुछ जितनी भी टेरिटरीज थी वो लॉस्ट होना शुरू हो गई, और वो इतनी वर्स कंडीशन हो गई कि मतलब जितना भी उस टाइम पे एक खूबसूरत पीरियड था वो ख़त्म हो गया। ओके सो एक्चुअली रणजीत देव की जो डेथ थी वो नेचुरल थी, और इनकी डेथ जो हुई थी वो 1781 में हुई थी, और देन उसके बाद वार ऑफ सक्सेशन जो थी वो स्टार्ट हो गई ब्रजदेव और दलेल सिंह के बीच में। ये एक्चुअली दोनों बेटे थे राजा रणजीत देव के, तो ब्रिज देव ने सक्सेस किया। उसके बाद ही आस्क्ड हिज कज़न मियान मोटो टू
हु किल इज ब्रदर एंड राइवल। बेसिकली इन्होंने क्या किया, इनके जो दो बेटे थे, पहला ब्रजराज जो थे वो मतलब वो गद्दी पे बैठे, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो कज़न ब्रदर थे मियाँ मोटो के साथ मिलकर इन्होंने अपने भाई की हत्या करवा दी। और वो कहाँ पे गए, वो चंद पादुका में, जबकि दलाल जो थे वो माता वैष्णो देवी में वहाँ जा रहे थे। और वहाँ पे इन्होंने क्या किया, मतलब इनकी हत्या जो थी उस वहाँ पे करवा दी। ओके सो गाइज, ये था, यही इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसमें पढ़ने वाली। और नेक्स्ट हम बात करेंगे सिख रूल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिख रूल के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एंड होगा इसका, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की। और आज के लिए इतना ही है सिर्फ, एंड आई होप कि मोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये आपको याद रही होंगी, और यही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।